तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं गोरखपुर की, जहां आदमखोर भेड़िया देखने को मिला। वहां से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस भेड़िये ने तबाही मचाई हुई है। गोरखपुर लाया गया आदमखोर भेड़िया। कल चार जो बंदर भेड़िया पकड़ा गया है, बहराइच से जो पकड़े गए हैं, चौथा भेड़िया उसे गोरखपुर लाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों ने कोहराम मचा रखा है बहराइच में। एक भेड़िया जो पकड़ा गया उसको गोरखपुर जू में लाया गया है। क्वारंटाइन किए जाने की पूरी कोशिश हो रही है। इस पूरे सेल में उसको रखा गया है, आदमखोर को। बहराइच से पकड़ा गया था ये आदमखोर भेड़िया और उसको क्वारंटाइन इस सेल में किया जा रहा है। देर रात गोरखपुर जू में ये भेड़िया पहुंचा है और क्वारंटाइन सेल में इसको आइसोलेशन में फिलहाल रखा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त 48 दिन से जो लगातार दहशत बहराइच और उसके आसपास के गांव में मची थी। 70,000 से ज्यादा लोग इन गांव में बसे जो दहशत में जी रहे थे, उसको लेकर लगातार एक्शन चल रहा है। इस बीच देर रात क्वारंटाइन सेल में इस आदमखोर भेड़िये को रखा गया, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दो बड़ी तस्वीरें, एक तरफ गोरखपुर जू पहुंचा आदमखोर और वहीं देर रात गोरखपुर जब उसको लाया गया क्वारंटाइन सेल में, उसको जब आइसोलेशन में शिफ्ट किया गया, वो भी तस्वीरें सामने आती हुई। तो बहराइच में चार भेड़िये पकड़े गए हैं, एक भेड़िया जिसे गोरखपुर लाया गया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी आशीष और विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है इस भेड़िये के बारे में? बताया जाता है कि ये बहुत ज्यादा आक्रामक है, इसलिए उसके क्वारंटाइन सेल में रखे जाने की खबर आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसमें गोरखपुर भेड़िया इस तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं 35 गांव और किस तरीके से इस खबर पर बात कर रहे हैं दो रिपोर्टर्स हमारे साथ, विशाल रघुवंशी का रुख करते हैं। विशाल, किस तरीके से इसको गोरखपुर लाया गया, एक लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार थोड़ी सफलता हासिल हुई, क्वारंटीन किया गया इस भेड़िये को जो कि काफी खूंखार रहा है, क्या डिटेल शुरुआती मिलती हुई? नहीं देखिए, बिल्कुल अभी इसको जो है क्वारंटीन किया गया है और ये बहुत खूंखार भेड़िया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भेड़ियों के गुंग जो झुंड होता है उसका बीच का भेड़िया था, मतलब जो सबसे सशक्त भेड़िया होते हैं उनमें ये एक था। और इसके साथ साथ जो अभी आगे जो ये आगे वाला जो भेड़िया बताया जा रहा है जो थोड़ा सा लंगड़ा के चलता है और उसको उसकी तलाश की जा रही है, उसके साथ एक और भेड़िया है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि मैं मौके पर ही मौजूद हूँ, यहीं पर ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आप पूरा एरिया देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरा एरिया जो है ये खेतों से है और ऐसे में खेतों की तरफ से आते वक्त यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको काफ़ी दिक्कतों का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आबादी और हो है, ऐसे में यहाँ पर तमाम लोग जो है उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे तो तस्वीरें बेहद खास इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा ऑपरेशन कल भी किया गया था, कल भी एक कामयाबी मिली थी और आज भी कुछ इसी तरह की कामयाबी जो है मिली है। तमाम ग्रामीण भी हमारे साथ हैं और वो टीम भी हमारे साथ है जो ये पूरा जाल और पिंजरा लगाती है। हालांकि अभी ये लोग पिंजरा और जाल लगाए नहीं गए हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? ननके यादव। ननके, आप लोग जाल और पिंजरा लगाते हैं, अभी का क्या कुछ है अपडेट बताएंगे? पिंजरा और जाल तो वहीं पे है, अब उसको जब लोकेट होगा वहीं पे तब ले जाएगा। कल कैसे आप लोग ने पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया था? कल जैसे सुबह सुबह लोकेट हो गया था तो इसलिए चारों तरफ से हम लोग घेर लिए थे, उसके बाद पिंजरा लगा के। कितने लोग हैं आपकी टीम में जो पूरा जाल? टीम में लमसम है 50 आदमी। जी अच्छा, ये किस कितने एरिया में जाल पे बातचीत करते रहे, इस बीच आशीष के पास चलते हैं। आशीष, जो भेड़िया गोरखपुर लाया गया है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, उसकी पहली रात गोरखपुर में कैसी गुजरी है और क्वारंटाइन सेल में रखा गया है? बताया जाता है कि बहुत ज्यादा आक्रामक भेड़िया है ये। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए यही ये पीछे सेल है जहाँ पे इस भेड़िया को रखा गया है और जिस तरह थोड़ा भी आवाज़ इसको जा रहा है तो पिंजड़े में इतना तेज टक्कर मार रहा है कि जिसका कोई वो नहीं है। इसे नाइट सेल यानी कि काल कोठरी में रखा गया है, इसे क्वारंटाइन किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर योगेश यहाँ पे है जिनके देख रेख में रखा गया है। डॉक्टर साहब, कैसा रात रहा, क्या क्या इसके साथ क्या क्या खाने को दिया गया? ये एक वन्य जीव है भेड़िया, जिसको कल लाया गया है बहराइच से, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव सर के निर्देश के ऊपर। जी, आदमखोर भेड़िया है तो निश्चित रूप से आक्रामकता होगी इसके अंदर, और चूंकि ये पूरी तरह से वाइल्ड में रहा है, पूरा जीवन इसका वाइल्ड में बीता है और जब किसी रेस्क्यू करके उसको हम जब किसी जगह लाते हैं तो उसको एक छोटे से सेल में रखना पड़ता है, तो निश्चित रूप से वो आक्रामकता और वो उससे बाहर निकलने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से वो बार बार उसमें टकराने का प्रयास करता है। और
चोटिल ना हो जाए, इसलिए हम लोग उस सेल के आसपास किसी भी तरीके की हरकत कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। उसको जो चिकित्सकों की जो टीम होती है और जो जू कीपर होते हैं उनके द्वारा उसकी निगरानी किया जाता है। सीसीटीवी कैमरे लगा के हम लोग उसकी निगरानी करते हैं और उसको समय समय पर खाना पानी दे दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। आशीष शाही हमारे साथ हैं, साथ ही साथ विशाल रघुवंशी हमारे साथ। जिस बाड़े में इस खूंखार भेड़िए को रखा गया है वहां से रिपोर्ट कर रही थी जी न्यूज की टीम, किस तरीके से उसकी रात गोरखपुर में पहली बीती है उस पर बात कर रहे थे। दो तस्वीरें इसके साथ साथ, बहराइच में भेड़ियों की तलाश सरगर्मी के साथ जारी, तो वहीं देर रात गोरखपुर लाया गया भेड़िया क्वारंटीन सेल में, इसको आइसोलेशन में रखा गया है। किस तरीके से ये रिस्पॉन्ड किया कर रहा है, एक डॉक्टर भी हमारे साथ, वेटनरी डॉक्टर हमारे साथ लाइव थे, उनसे हम बात कर रहे थे। शुक्रिया दोनों रिपोर्टर्स का जो लाइव थे इस खबर पर। Z News.